All right, so we'll continue with the standard costing only. And now today का part is analysis of fixed overhead. Okay, तो जरा आप लिखिए ना, analysis of fixed overhead. Analysis of fixed overhead is also based on budgeted production. फिक्स्ड ओवरहेड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बजटेड प्रोडक्शन. जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने सोचा मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, सपोज 50, राइट? 50 का क्लासरूम मैंने ले लिया. अभी सपोज 20 स्टूडेंट्स ही आते, तो अभी मुझे रेंट कितना भरना पड़ेगा 50 के लिए, लेकिन मुझे मटेरियल कितने के लगेगा 20 के लिए. तो ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, बजटेड प्रोडक्शन. अभी जैसे सपोज यू कंटिन्यू द सेम एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2019 को आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपको पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. 1000 यूनिट मेरे को परचेज करना है, किसका? S1 का. टेल मी व्हाट इज द प्राइस, राइट? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट शीट यू डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट है? पहले बात किया प्रोडक्शन मैनेजर से. प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है सर एक यूनिट को बनाने में 10 kg मटेरियल लगेगा. रेट मैनेजर बोलता है उसका रेट रहेगा 10. इट मीन्स पर यूनिट क्या हो जाएगा, 10 kg इंटू 10 एंड दिस कम्स टू 100. प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, बोला 10. एक आर का क्या कॉस्ट है, बोला 10 rupees. इट मीन्स 10 hours into ₹10 and this comes to, suppose timing there is no direct expense, prime cost, and your prime cost is ₹200. Now indirect cost means factory overhead, and if it is in the nature of fixed, आपका जो overhead है उसका nature क्या है, fixed. अभी देखो अपना पीरियड क्या है, 1/4/2019, राइट? 31st March 2020, है ना? तो कितना ओवरहेड लगेगा फिक्स्ड, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन, वो हमको कब पता चलेगा, 31st March 2020 को. और उसके सामने कितना प्रोडक्शन होगा वो भी कब पता चलेगा, 31st March 2020 को. लेकिन हमको प्राइस कभी देना है, 19 में. आपको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? मेरा पीरियड है 1/4/2019 to 31st March 2020. फर्स्ट अप्रैल 19 से 31st March 2020 का ये मेरा पीरियड है. समझे या नहीं समझे, राइट? कितना एक्सपेंस होगा वो कब पता चलेगा, 20 में. कितना रेंट लगा, इंश्योरेंस लगा, डेप्रिसिएशन लगा, सुपरवाइजर सैलरी कितना हुआ वो कब पता चलेगा, 20 में. उसके सामने कितना प्रोडक्शन हुआ वो भी कब पता चलेगा, 20 में. लेकिन मुझे कॉस्ट कभी बताना है, एज ऑन टुडे. मैं कैसे बताऊं? तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, बजट. बजट में मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सपेंडिचर मैनेजर से, बिकॉज दिस इज माई फिक्स्ड ओवरहेड. उसको पूछूंगा सर अगर मेरा पीरियड 1/4/2019 to 31st March 2020 है, कैन यू टेल मी टोटल एक्सपेंस पूरे साल में कितना होगा, बिकॉज द एक्सपेंस का नेचर क्या है, फिक्स्ड. चाहे मैं प्रोडक्शन करूं चाहे मैं प्रोडक्शन नहीं करूं, मेरे को उतना पैसा लगने वाला है. तो बोलता है रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब मिला मिलू के अपने को कितना होगा, से सपोज 5 lakhs. एक अपने को डिटेल मिल गया 1/4/19 to 31st March 2020 तक कितना एक्सपेंस होगा टोटल, 5 lakhs. अब मैंने बात किया किससे, सपोज प्रोडक्शन मैनेजर से, कि अगर मेरा पीरियड 1/4
2019 टू 31 मार्च 20 है, तो पूरे पीरियड में हम लोग नॉर्मली कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? वो आपको बोलता है सर वी कैन प्रोड्यूस अप टू 50,000 यूनिट्स। इट मीन्स व्हाट इज योर रिकवरी रेट? योर रिकवरी रेट पर यूनिट इज ₹10। आपका पर यूनिट का रिकवरी रेट क्या आएगा? 10। इट मीन दिस कम्स टू 10। योर फैक्ट्री कॉस्ट 210, चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज सपोज 90, और आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? आपने बोला चलो मैं 90 का प्रॉफिट चार्ज करेगा, यहां तक मेरा कॉस्ट आ गया। आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं? केस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द केस? राइट, सबसे पहले किससे बात करेंगे? एक्सपेंस मैनेजर से, वो आपको आपको एक्सपेंस बताएगा। फिर किससे बात करेंगे? प्रोडक्शन मैनेजर से। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकवरी रेट। व्हाट इज रिकवरी रेट? इट मींस बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। ये अपने को कौन बताएगा? एक्सपेंस मैनेजर। ये अपने को कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर अपने को बताएगा पूरे साल में कितना खर्चा होने वाला है, और प्रोडक्शन मैनेजर अपने को बताएगा पूरे साल में कितने यूनिट्स बनेंगे। ये हो गया चार्ज 300। हम कस्टमर को बोल सकते हैं भाई एक यूनिट का कितना लगेगा? 300। नाउ यू गो टू एक्चुअल। सपोज योर एक्चुअल एक्सपेंस इज 520,000 एंड योर एक्चुअल यूनिट्स आर 40,000। 31 मार्च 20 को आपको पता चला कि आपका एक्चुअल यूनिट्स कितना बना है? 40,000, और आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है? 520। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो यस और नो। राइट, अब ये साल तो खत्म हो गया, आपको ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज द करेक्ट 5 लाख और 5,20,000। आपको ये देखना है नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज द करेक्ट फिगर 5 लाख और 5,20,000। नेक्स्ट ईयर के लिए व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्शन 50,000 और 40,000। ऐसे नहीं कर सकते, वही आपको सीखना है। ये साल खत्म हो गया, अब अपने को ये देखना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2, एंड इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस। क्या बोलेंगे? एनालिसिस ऑफ वेरियंस। राइट, सबसे पहले आप ले लो, दिस इज सपोज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट। आपने कितना पे किया है टू बैंक? 5,20,000। आपने कितना पे किया है टू बैंक? 5,20,000। फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपका एक्चुअल एक्सपेंस हो गया। अब कितनी यूनिट्स बन के तैयार हुई पूरे साल में? 40,000। एक यूनिट अगर बिकती है तो मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 10 रुपीज। समझे या नहीं? एक यूनिट अगर मेरी बिकेगी तो मुझे वापस कितना मिलेगा? 10 रुपीज। सपोज ये क्लास है, ये क्लास का रेंट है 20,000। राइट, 20 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो एक स्टूडेंट कितना देगा? 1,000। अब सपोज 18 स्टूडेंट आए तो मुझे रिकवर होकर कितना मिलेगा? 18 × 1,000 = 18,000। मैंने पे कितना किया? 20, मुझे रिकवर कितना हुआ? 18, मेरा लॉस कितना हो गया? 2,000। उसको बोलते हैं अंडर रिकवर। राइट, इट मीन्स बाय रिकवरी कितना है? 40,000 × 10 इज 4 लैक्स। कितना पे किया आपने? 520। कितना रिकवर हुआ? 4 लैक्स। बाय अंडर रिकवरी इज 120। आपको कितने का लॉस हो गया? 1,20,000। आपने पे कितना किया? 520। आपको रिकवर होके कितना मिला? 4 लैक। आपको लॉस कितना हो गया? 120। राइट, फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। कितना आपको रिकवर हुआ? 4 लैक्स। कितना आपने पे किया? 520। कितने का लॉस हो गया? 1,20,000। इट मीन्स रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। कितना रिकवर हुआ आपको? 4 लैक्स। आपने पे कितना किया? 520। कितने का लॉस हो गया? 120। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस। इसका मतलब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक्सपेंडिचर मैनेजर। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस। क्या एक्सपेंस आपने सोचा था? 5 लैक्स। क्या एक्सपेंस आपको एक्चुअल में आ रहा है?
5,20,000, कितने का लॉस आ गया? 20,000। आपने क्या एक्सपेंस सोचा था, कितना एक्सपेंस होगा? 5 लाख। कितना एक्सपेंस एक्चुअल में हुआ? 5 लाख। कितने का लॉस हो गया? 20,000, राइट। यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा, बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट। दूसरा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आपका? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितने यूनिट्स बनके तैयार होंगे? 50,000। एक्चुअल में यूनिट्स बनके तैयार हुए 40,000। व्हाट इज द रिकवरी रेट? 10। कितने का लॉस हो गया? 1 लाख। कम यूनिट्स बने ना, कम स्टूडेंट आएंगे तो मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, राइट। कितना लॉस हो गया? 50। अगर ये 50,000 बनते तो मुझे रिकवर कितना होता था? 5 लाख। आर यू फॉलोइंग ऑन नोट? 20,000 मेरा रेंट है, 20 स्टूडेंट्स आने वाले, इसका मतलब एक जन कितना देगा? 1,000। आई 18 क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस। आई 22 तो इज गुड, नहीं। कितने का हो गया? 1 लाख का लॉस। 1 + 20 = 120। बात खत्म हो गई, बट आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है। एज ए कंसल्टेंट हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्या अभी नेक्स्ट ईयर क्या। तो नाउ वी विल आस्क दैट पर्सन कि वेदर दिस लॉस इज ए कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। ये लॉस आपका क्या है, कंट्रोलेबल लॉस है या अनकंट्रोलेबल? तो हम उसको बोलेंगे, सर आपने तो बोला था 5 लाख, वाई यू आर पेइंग 5,20,000। बोलेगा नहीं सर, दिस टाइम क्या, व्हाट हैपन, देर वॉज ए इलेक्शन, अपना इलेक्शन था और इलेक्शन में 20,000 रुपीज डोनेशन दिया बट रॉन्गली डेबिटेड टू ओवरहेड अकाउंट। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, that loss you can't recover from the customer, or if you are going to recover you cannot survive because your cost of production will increase. आपका cost of production क्या हो जाएगा? Increase। समझे या नहीं समझे? आपका cost of production क्या हो जाएगा? Increase। तो even expense is 520, next year आपको क्या लेना पड़ेगा? 5 lakhs। और अगर वो बोलता है नहीं नहीं सर, आपने फैक्ट्री के साथ देर इज वन गोडाउन इज ऑल्सो अटेस्ट, और वो गोडाउन का रेंट 20,000 था, सर मैं वो लेने को भूल गया, इसका मतलब अनकंट्रोलेबल है और नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा? 5,20,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? फुल प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? वाई यू वॉन्ट रिकवरी रेट? अगर आपके पास रिकवरी रेट नहीं होगा तो आप कॉस्ट शीट कैसे कंप्लीट करेंगे? आप कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते अप टू प्राइम कॉस्ट तक मुझे कैसे, मैंने जब आपको फीस बताया तो मैंने आपको कैसे बताया कि व्हाट इज माय फीस पर स्टूडेंट से, मैं तो मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी रही होगी, फिर मैंने फिक्स कॉस्ट के बारे में कैसे सोचा कि भाई इतने स्टूडेंट्स आएंगे, इतना रेंट रहेगा, डिवाइड करके इतना रिकवरी रेट आएगा घर। सही है सोनू, समझ में आ रहा है कि नहीं? फुल प्रोसेस आपको, तो इसके लिए व्हाट इज रिकवरी रेट? रिकवरी रेट इज ए बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड एक्सपेंस आपको कौन बताएगा? एक्सपेंस मैनेजर। यूनिट्स आपको कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर, राइट। अब इसको एकदम डिटेल में मैं लेके चलता हूँ, लेकिन पहले इतना जो किया है उसको आप कॉपी कर लीजिए, राइट। मैं आपको बताता हूँ, आप लिखिए रिकवरी रेट, इसको रिकवरी रेट भी बोलेंगे, इसको चार्जिंग रेट भी बोलेंगे, चार्जिंग रेट ये लिखते जाइए ना, रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, देन स्टैंडर्ड रेट, देन बजटेड रेट, देन प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, स्टैंडर्ड रेट, बजटेड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन रेट।
एब्जॉर्प्शन रेट या फिर एप्लीकेशन रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. बजटेड एक्सपेंस आपको कौन बताएगा? एक्सपेंस मैनेजर. और वॉल्यूम आपको कौन बताएगा? प्रोडक्शन मैनेजर. बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. बजटेड एक्सपेंस आपको कौन बताएगा? एक्सपेंस मैनेजर. और ये कौन बताएगा आपको? प्रोडक्शन मैनेजर. वॉल्यूम हम लोग दो में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग स्टैंडर्ड में कवर करेंगे, और फिर अलग से एक आएगा मॉडर्न मेथड. एक आपका रहेगा ट्रेडिशनल मेथड. फर्स्ट आपका रहेगा ट्रेडिशनल मेथड और सेकेंड आपका रहेगा मॉडर्न मेथड. राइट, ट्रेडिशनल हम लोग कवर करेंगे. इसके लिए एक अलग से आता है, उसको बोलते हैं एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. वो अलग से टॉपिक आपका रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग राइट, ये आपका रहेगा. या तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं यूनिट्स, या रिकवर कर सकते हैं आर्स, या नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर. यूनिट्स, आर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर. एंड दिस इज एनी अदर मेथड. अगर यूनिट्स पे रहेगा तो कैसे निकालेंगे? इन सब का एक ही मीनिंग होता है. कभी भी मैं कोई भी वर्ड यूज करूंगा, है ना, आपको एक ही मीनिंग समझना है. रिकवरी रेट, चार्जिंग रेट, स्टैंडर्ड रेट, बजटेड रेट, प्रीडिटरमाइंड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एप्लीकेशन रेट, वन ऑफ द सेम. राइट, अब देखो, अगर रिकवरी रेट यूनिट्स पे है तो क्या लेंगे? बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स. अगर आर्स पे तो क्या लेंगे? रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स. भी आर्स कोई भी हो सकते हैं, या तो लेबर आर्स या फिर मशीन आर्स. पहला क्या रहेगा लिख लो जरा ना. रिकवरी रेट अगर यूनिट्स पे है तो क्या लेंगे अपन? रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स. रिकवरी रेट आर्स पे तो क्या लेंगे? बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड आर्स. डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर पे है तो क्या करेंगे? रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई बजटेड डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर. और अगर एनी अदर मेथड में है तो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज. राइट, रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वेजेस इनटू 100.
रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय बजटेड वेजेस इक्वल टू 100। ओके और ये अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, राइट। आप एकदम प्रॉपरली आप ध्यान दीजिए, यू एक्ट एज ए नॉट ए सी ए फाइनेंस स्टूडेंट, यू एक्ट एज ए इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट, राइट। आप देखो जरा कैसे अपने को पूरे प्रोसेस में जाना है, क्योंकि अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो फिर आपको सारे सम साफ खुद से कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो अगर आपको ये वाला पार्ट क्लियर होता है तो, राइट। देखो जरा मैंने आपको क्या बताया, सपोज एक कोई कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी, वो कंपनी ने आपको अपॉइंट किया एज ए इंटरनेशनल कॉस्ट कंसल्टेंट कि साहब आप हमारे लिए रिकवरी रेट निकालो, हमारी ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के लिए आप कैसे रिकवरी, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो ये केस स्टडी आता है, एग्जाम में ये देखे नहीं रखेगा यूनिट्स हार्स, आपको सब निकालना है, आपको पूरा कंपनी के बारे में बताया, ये कंपनी है ये ऐसा करती है, इसका ये है, इसके पास इतने एम्प्लॉई है, तो कैसे हम लोग रिकवरी रेट निकालेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जरा समझो, राइट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म, राइट। तो पहला टेबल बनाने का, कैसे टेबल बनाने का, दिस इज योर स्टेप नंबर वन, पहले समझ लो बाद में कॉपी करना, राइट। सपोज दिस इज माई फिक्स्ड ओवरहेड्स, व्हाट इज द पीरियड 1/4/2019 टू 31st March 2020, दिस इज व्हाट माय बजट एंड दिस इज व्हाट माय एक्चुअल, यूनिट्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, या फिर आर्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, या फिर डेज, रिकवरी रेट एंड मैक्स टू मैक्स आपसे इतना पूछा जा सकता है, राइट है। अब देखो सबसे पहले आपने बात किया एक्सपेंस मैनेजर से, राइट। एक्सपेंस मैनेजर से पूछा सर अगर पूरे साल का 1/4/2019 टू 31st March 2020 चाहे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका नेचर क्या है फिक्स्ड, उसने बोला रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, ये सब मिला के साहब पूरे साल में होगा 6 लाख, आपका एक टेंशन ऊपर, ये मेरा पूरा साल में कितना एक्सपेंस, ये पूरा केस को समझो आप। मैंने आपको क्या बताया, थ्री पार्ट्स में आप डिवाइड करो कॉस्टिंग को, फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। प्रिपरेशन यू डिवाइड इन टू पार्ट्स, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, राइट। आपका टोटल पूरे साल का एक्सपेंस क्या होगा, ₹6 लाख। अब इसको हम कैसे रिकवर, कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, राइट, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3, एज पर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड, दिस इज योर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 3, आपको एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में बट आपको आना चाहिए, राइट। 2 एंड 3, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, 4 तरह की कैपेसिटी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं फुल कैपेसिटी, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, तीसरे को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी, और चौथे को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी। 4 तरह की कैपेसिटी कभी कभी थियोरी में भी आ जाता है, कौन कौन सा, एक फुल कैपेसिटी, सेकंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी, थर्ड
नॉर्मल एंड फोर्थ। अभी इसको कैसे याद रखने का, एज ए सी ए फाइनल स्टूडेंट आप इसको कैसे याद रखो। कोई भी सी ए फाइनल का स्टूडेंट है अगर वो चाहे तो दिन का कितना पढ़ सकता है, 24 आवर्स, ये उसकी फुल कैपेसिटी है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं, 8 आवर्स आपको क्या चाहिए, स्लीपिंग, एंड 2 आवर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो भी आपको 14 आवर्स डे में पढ़ना चाहिए। आप ज़्यादा पढ़ेंगे गारंटी नहीं है पास हो जाओगे, लेकिन कम पढ़ोगे तो गारंटी है फेल हो जाओगे, राइट। 14 आवर्स, आप बोलते सर थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट। पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के सर है डॉक्टर महेश गौर, राइट, उनका मोटिवेशनल लेक्चर आपने सुना और 24 आवर्स आप पढ़ लिए फर्स्ट डे। सेकेंड डे आप डाउन हो गए, आप कितने पढ़े, ओनली 2 आवर्स। फिर आपका 11, 12, 13, तो वेरी हाई है उसको छोड़ देते, वेरी लो है उसको छोड़ देते, और इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तीनों को मिला के, तो वो हमारा क्या आएगा, नॉर्मल कैपेसिटी। और जो इंडस्ट्री है वो किस पे वर्क करती है, नॉर्मल कैपेसिटी। फिर फोर्थ आता है आपका एक्चुअल कैपेसिटी, वो आपको कब पता चलेगा, नवंबर के बाद, राइट, एक्चुअल में आपने क्या किया, राइट। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे अप्लाई होता है, राइट। कैसे कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग, आपने पूछा फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से बोलता है साहब 365, कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 365, उसमें से संडे को फैक्ट्री बंद रहती है, संडेस कितना है, 52, अदर हॉलीडेज, होली, दिवाली, दशहरा, वैलेंटाइन डे, सब मिला के कितना है, से 13, आपका टोटल कितना हो गया, 300, सो व्हाट इज योर रिकवरी डेट पर डे इज रुपीज 2000, आपका एक दिन का क्या रिकवरी रेट आ जाएगा, बोलो रुपीज 2000, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर है। आपका टोटल एक्सपेंस कितना है, सपोज से 6 लाख, आप बोलते हो सर डेज पे मैं कैसे रिकवर करूंगा, मेरे को तो यूनिट सेल करना है, ठीक है। आपने देखा कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 300, ये ध्यान रखना एकदम ना जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है सर 300 डेज है हमारे पास, हमारे पास 10 वर्कर्स हैं और हमारे पास 10 आवर्स का एक दिन में काम होता है, 300 डेज, ये आगे काम आएगा ध्यान रखना जब मैं बोलूँगा, 300 डेज, 10 आवर्स और 10 वर्कर्स, इसका मतलब कितना हो गया आपका, 30,000, आपका रिकवरी रेट क्या हो जाएगा, 20, फिर भी अपना काम सॉल्व नहीं हुआ, अपने को क्या चाहिए, यूनिट्स पे। टोटल आपका एक्सपेंस रुपीज 6 लैक्स, 30,000 आवर्स, एक आर में यू कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, इट मीन 60,000, और आपका रिकवरी रेट क्या आएगा, 10। तो कैसे रिकवरी रेट निकालते हैं, कैसे ये केस को आप स्टडी करोगे, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, परफेक्टली क्लियर हो नॉट, राइट। होता क्या है, जब आप एक्चुअल में बनाने गए तो आपकी एक्चुअल यूनिट्स बन के तैयार हुई सपोज 50,000, और आपका एक्चुअल एक्सपेंस हो गया 6,20,000, आपके एक्चुअल आर्स आए सपोज से 32,000, और आपका एक्चुअल एक्सपेंस आ गया 6,20,000, आपके एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आ गए सपोज से 301, और आपका एक्चुअल एक्सपेंस आ गया 6,20,000। ये साल आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर आपको देखना है व्हाट इज द करेक्ट, 620 और 6 लैक्स, व्हाट इज द करेक्ट, 50,000 और 60,000, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये अब मैक्स टू मैक्स इंस्टीट्यूट आपसे अगर सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा फिक्स्ड ओवरहेड का, तो मैक्स टू मैक्स वो यहां तक आपसे पूछ सकते हैं करके ना, क्लियर है, इतना कॉपी कर लो जरा।
ये भी सब लिख लेना रिवीजन के हिसाब से ना पूरा। क्लियर है फ्रेंड्स? बोलो कुछ पूछ रहे हैं यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ऊपर है। अब देखो जरा एकदम ध्यान से सुनो अपना कैसे स्टार्ट करने का, क्योंकि आगे चल के ये सब मिसिंग फिगर्स में आने वाले हैं क्वेश्चन, राइट? तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उनको आप क्या करिए, ट्राई टू जस्ट पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म, राइट? उसके बाद आप सबसे पहले एक अकाउंट बनाइए, राइट? ये आपका अकाउंट हो गया और इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट। इट मींस टू बैंक, कितना हम लोगों ने पे किया है, 6,20,000 एंड बाय रिकवरी। कितना आपको रिकवर होगा, 50,000 यूनिट्स बिकेगा तो एक यूनिट पे आपको कितना मिलेगा वापस, रिकवर्ड एब्सॉर्ब्ड एलोकेटेड 10 rupees। इट मीन्स बाई रिकवरी 50,000 इंटू 10 एंड दिस कम्स टू 5 lakh एंड बाई अंडर रिकवरी एंड दिस कम्स टू 1,20,000। आपने कितना रिकवर किया, 5 lakh। आपने पे कितना किया, 620। कितने का लॉस हो गया, 120। नाउ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, 1,20,000 का जो लॉस हुआ है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसका मतलब एक्सपेंस मैनेजर। एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, 6 lakhs। आपको क्या आया, 620। कितने का लॉस हो गया, 20,000। प्रोडक्शन मैनेजर, उसने क्या बोला था, कितने यूनिट्स बनेंगे, 60। बने कितने, 50। रिकवरी डेट कितना है, 10। कितने का लॉस हो गया, 1,120,000, है ना? तो फर्स्ट आपका आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस।
फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस कितना रिकवर्ड हुआ, बाद में कॉपी करना एक बार समझ लो, 5,06,20,000 एंड कितने का लॉस हो गया बोलो, 1,20,000। फॉर्मूला आपका हो गया रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। हम लोग एक भी फॉर्मूला कभी भी यूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग के लिए, मैं आपको बता देता हूँ याद रख, बाकी प्योर लॉजिक पे अपन जाएंगे राइट। कितना रिकवर हुआ, 5x, कितना पे किया, 620, कितने का लॉस हो गया, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहला फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, कौन सा रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, एंड दूसरा रहेगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। पहला आपका कौन सा रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस, एंड दूसरा आपका कौन सा रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। एक्सपेंस कितना सोचा था आपने, 6 लाख, और आपने कितना पे किया, 6,20,000, कितने का लॉस हो गया, 20,000। फॉर्मूला आपका क्या हो गया बोलो, पहले लॉजिक बाद में फॉर्मूला राइट, बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, फिर प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितने यूनिट्स बनेंगे, 60, बने कितने, 50, एक यूनिट पे कितना लॉस है, 10, कितने का टोटल लॉस हो गया, 1,00,000 एडवर्स। इट मींस बजटेड यूनिट्स माइनस एक्चुअल यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट, दिस प्लस दिस इक्वल टू हमेशा आपका क्या रहेगा, ये। अब इसके वापस से पार्ट होंगे, तो ये वाला पूरा एक न्यू पेज पे लेना और इतना आप जरा कॉपी कर लो राइट, टेबल के नीचे ये ले लो और ये फुल पेज पे आपके आएगा राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो इतना आप समझ लो करके ना।
बोलो यस और नो फ्रेंड्स. वन इज ए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, वन इज ए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस. प्रोडक्शन मैनेजर, एक्सपेंस मैनेजर, राइट, एंड टोटल. सपोज ये केस में हम लोग हमारे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनो. बराबर, हम लोग हमारे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करते हैं, सर क्या हुआ करके ना, आपने तो बोला था 60,000 यूनिट्स बनेगा, आपने बनाया 50, आपने कम बनाया, इसके लिए हमें क्या हो गया, लॉस. हम उसको बोलेंगे करके ना. तो सपोज योर प्रोडक्शन मैनेजर इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उसको ये पूरा सब कैलकुलेशन नहीं समझता है, लेकिन उसको ये समझ रहा है कि कम यूनिट्स बनी इसके लिए कम रिकवरी हुआ और अपने को लॉस हो गया. तो वो आपको क्या बोलता है कि सपोज यू डोंट रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यू डोंट रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यू सपोज रिकवर ऑन द बेसिस ऑफ आर्स, तो मेरी वजह से तो प्रॉफिट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने कितने आर्स बोला था, 30,000. मैंने काम कितना किया, 32,000 आर्स ज़्यादा किया. व्हाट इज द रिकवरी रेट, 20. तो मेरी वजह से तो 40,000 का प्रॉफिट होना चाहिए. मैंने कितने आर्स का बोला था आपको, 30. काम कितना हुआ, 32,000 मोर इंटू 20, इट मीन्स 40,000 का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट. तो लॉस कैसे हो गया, तो अब उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. तो देखो जरा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, राइट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड. वो आपको एकदम लॉजिकली समझना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके आगे अपनी गाड़ी चल पाएगी. ओके, सो दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड, इसको बोलते हैं कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस, और एक को बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस. कौन कौन सा बोलेंगे बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरियंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड. ये दोनों हमेशा क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ आर्स. कितना कैपेसिटी था, 30,000. पे कितना किया, फॉर 30,000, राइट. काम करने को मिल गया 32, बिकॉज अमाउंट इज फिक्स्ड. आपने मुझे पे किया 30,000 आर्स, मैंने आपको काम करने को दिया 32, इट मींस 32. व्हाट इज द रिकवरी रेट, 20. कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, 40,000 फेवरेबल. इट मींस बजटेड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू रिकवरी रेट, बजटेड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू रिकवरी रेट, राइट. तो फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, तो फिर आप समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, यूनिट्स एंड आर्स. हमने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई 60,000 यूनिट्स अगर बनाना है तो वो कितने आर्स में बन जाएगा, 30,000 में. आपने क्या किया, 50,000 आर्स यूनिट्स बनाए, तो 50,000 यूनिट्स कितने आर्स में बनना चाहिए, 25 में. लेकिन 25 के लिए आपने कितना ले लिया, 32. मीन्स 7,000 आर्स आपने काम किया लेकिन प्रोडक्शन नहीं किया. जब प्रोडक्शन नहीं किया तो कस्टमर से कैसे रिकवर होगा. मैंने आपको बोला मैं आपको एक घंटे में एक टॉपिक सिखाऊंगा, अभी मैंने आपका 2.5 घंटे लेक्चर लिया, बराबर. तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 2.5 टॉपिक होना चाहिए, 2.5 टॉपिक होना चाहिए, सही या सुनो. मैंने क्या किया, आगे आके अपने बारे में बोला, टाइम पास किया, तो इसका मतलब आई एम नॉट एफिशिएंट. मीन्स जो 32,000 आवर्स अगर आपने काम किया है तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, 64. आपने तो प्रोडक्शन किया ही नहीं, इसका मतलब 25,000 वाला काम आपने कितने आर्स में किया है बोलो, 32 में. 7,000 आर्स वेस्ट किया इनटू 20 एंड देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीस 1,40,000. इट मींस 140 का लॉस, 40 का प्रॉफिट, और मिलके क्या हो जाएगा, 1,00,000 का प्रॉफिट. इट मींस ये हो जाएगा आपका बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रिकवरी रेट.
समझे या नहीं समझे, दिस प्लस दिस इक्वल टू हमेशा आपको ये मिलेगा, इतना कर लो। इसके दो ब्रांचेज और हैं आगे में, इज द मैक्सिमम इतना हो जाएगा आपको, राइट। सही है सोनो फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ, ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ आर्स। क्या कैपेसिटी थी 30, काम करने को मिल गया 32, मीन 2000 मोर मिला, तो वी कैन प्रोड्यूस मोर, वी कैन प्रोड्यूस मोर मीन्स वी कैन रिकवर मोर। लेकिन एफिशिएंसी में उल्टा है, 60 को बनाने में कितने आर्स चाहिए 30, तो 50 को बनाने में कितना चाहिए 25 वाला काम आपका कितने में हुआ है 32, 7000 आपने लॉस किए इनटू दिस। अब इसके दो पार्ट, पहला फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरियंस मींस नंबर ऑफ डेज में, बराबर कितने नंबर ऑफ डेज आपको अलाउ थे 300, आपने पे कितने के लिए किया 300, आपको काम करने को मिल गया 301 इनटू व्हाट इज द रिकवरी रेट 2000, सो दिस इज 2000 फेवरेबल, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट। समझे या नहीं समझे फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर है, नो कंफ्यूजन है ना। फिर आपका आएगा फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस, इसका मतलब आपके पास अगर डेज थे 300 तो आपकी आर्स की कैपेसिटी कितनी थी 30,000, 300 डेज में आपकी कितनी कैपेसिटी थी 30,000, आपको डेज मिले 301 तो आपका कैपेसिटी क्या होगा 30,100, 300 डेज में 30,000 तो 301 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30,100 आपकी कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी आपने क्या काम किया 32, राइट
तो आपने ज्यादा किया तो ज्यादा प्रोड्यूस तो ज्यादा रिकवर इनटू 20 कितना हो गया 38,000 फेवरेबल. इट मींस बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज. क्या लिखेंगे बोलो? बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट. बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट. इतना कॉपी कर लीजिए. एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मैक्स टू मैक्स दे कैन आस्क दिस मच. दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? आप आराम से समझिए, धीरे धीरे लॉजिकली क्लियर करिए एंड देन यू टेल मी. बजटेड आवर्स इन एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स इन एक्चुअल डेज इनटू रिकवरी रेट. किसका? फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज कैपेसिटी. फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस. आप आराम से एक बार पूरा रिवाइज कर लो, कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो यू प्लीज आस्क मी ना. बाकी का एग्जैक्टली सेम आपका हर क्वेश्चन रहेगा. मैं अब आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, राइट? लेकिन उससे पहले आप पूछ लो, कोई पॉइंट नहीं है समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क मी. कोई भी पॉइंट आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछिए, राइट? हर क्वेश्चन आपको सेम फॉर्मेट में जाना है. ग्राफिकल इसके लिए सॉल्व करते ताकि सारे मिसिंग फिगर्स इसी में आ जाएं, राइट?
राइट है, आप खुद से ट्राई करिए। राइट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 12.85, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 12.85। मिला फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 12.85। खुद से ट्राई करिए। हाँ फ्रेंड्स,
1250 अंडर रिकवर, कितना अंडर रिकवरी है 1250, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस रिकवर्ड 48750 माइनस पेड 50,000, 1250 एडवर्स। एक्सपेंस वेरियंस सोचा था 45 हुआ 50, लॉस ऑफ 5000। यूनिट सोचे थे 30 बन गए 32500, इट्स गुड इनटू 1.5। थ्री सेवन फाइव जीरो फेवरेबल। कैपेसिटी था 30,000 आवर्स, काम किया 33, रिकवरी रेट 1.5, 4,500 फेवरेबल। फिर ये क्यों 3750 आ रहा है, इसका मतलब यूनिट्स 30,000 तो आवर्स लगना चाहिए 30,000, यूनिट्स 32500 तो आवर्स लगना चाहिए 32500, 32500 वाला काम 33 में 500 घंटे आपने लॉस कर दिया, एंड दैट्स वाई देर इज ए लॉस ऑफ रुपीज 750 4500 दिस। कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ डेज 25 डेज का पे किया, 26 डेज काम करने को मिल गया, इसका मतलब 1800 फेवरेबल। डेज देन आर्स, डेज 25 तो आर्स का कैपेसिटी था 30,000, डेज 26, 30,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 26 इज 31,200, 31,200, 33 इंटू 1.5, 2,700 फेवरेबल, 2545। से यस ऑन फ्रेंड्स, राइट है, टेली हो रहा है गौरी, राइट है। कभी कभी क्या रहेगा, देर इज ए एबनॉर्मल आइडियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ, देखो ये मेरा लेक्चर का टाइमिंग था 8 to 12, मेरा लेक्चर का क्या टाइम था 8 to 12, मैं एग्जैक्टली 8 o'clock आ गया, राइट,
और 12th तक में था, तो जो क्लासेस वाला है वो मुझे कितने आवर्स का पेमेंट करेगा? 4 का। लेकिन आने के बाद क्या पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी गॉन, लाइट नहीं है, तो लेक्चर कैसे होगा? लेक्चर स्टार्ट हुआ 8:30 to 12, इसका मतलब ओवरहेड कितने पे रिकवर होगा? 3.5। ओवरहेड कितने का लगेगा? 3.5। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो उसको क्या करके लेस करके आपको दिखाना है, दैट्स इट। राइट, देखो जरा 17 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप जरा देखो, बराबर। टॉप में लिख दो जरा, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इन ओवरहेड वेरियंस, इन ओवरहेड वेरियंस। राइट, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 12.85। देखो आप टेबल बना सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 12.85। आउटपुट 1 lakh आवर्स, 20,000, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25, ओवरहेड्स 2,40,000, टू सिक्सटी फोर सिक्स हंड्रेड से माइनस हो जाएगा 5040, 20,160 यूनिट्स, 126 फैन, एंड नंबर ऑफ डेज 24, 2.4, 12, 9,600.
बोलो, टेबल समझा फ्रेंड्स? फर्स्ट योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट टू बैंक, टू 64,600 बाई रिकवरी 126 इंटू 2.4 302,400 टू ओवर रिकवरी फ्रेंड्स, ओवर रिकवरी आ रहा है फ्रेंड्स 37,800 बोलो, इट मीन्स 302,400 लेकिन उसके सामने एक्चुअल एक्सपेंस 264,600, 37,800 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस 240 माइनस 264,600, 240,000 less 264,600, 24,600 एडवर्स, 1,126 इंटू 2.4 62,400 फेवरेबल। सही है, सुनो फ्रेंड्स, 20 लेस 20,160 इंटू 12, उसको भूल जाइए, 5040 को यू फॉरगेट, यूनिट्स 1,00,000 देन आर्स 20,000 यूनिट्स 126, सो 20 25,200 के सामने ओनली 20,140, इट मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट। ट्वेंटी थाउजेंड पे किया, काम करने को मिला, इज गुड। 160 इंटू 12, 1,920 फेवरेबल इंटू 12, 25,200 लेस 20,140 इंटू 12, 67,20 फेवरेबल। कैलेंडर पे किया 25, काम करने को मिला 24 इंटू 9,600 इज नॉट गुड। डेज आर्स, डेज 25 आर्स 20,000, डेज 24 19,200, 20,140, 160 into 12,
11 Y20 फेवरेबल, या बोलो क्या? ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड आपको आर्स लगना चाहिए और आपने लिया कम, तो इज गुड 160 है ना, 2160, 25 200 लेस 2160 इनटू 12, 6480 ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, मतलब टाइम लगना चाहिए 25 200 और आपने लिया है 2160, मीन्स यू आर वेरी एफिशिएंट, राइट। एक और लास्ट जरा प्रैक्टिस करके दिखाओ मुझे, 18 एबनॉर्मल आइडियल का ही ना, अभी ग्रिप आ रहा है फ्रेंड्स, बोलो समझ में आ रहा है? दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट, और आपका एज ईच एंड एवरी पार्ट टैली होना चाहिए, राइट। एटीन पेज नंबर 12.85 खुद से ट्राई करिए, राइट। खुद से ट्राई करिए,
जितना खुद से ट्राई करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। ₹60,000 फेवरेबल, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, ₹60,000 फेवरेबल, एक्सपेंस 12, 1440, 240 एडवर्स, 1,00,124, 3,00,000 फेवरेबल, वन ट्वेंटी 136 into 10, 160 favorable, 1,00,000, 1,20,000, 125, 1,50,000, 150, 136, 10. ₹140 favorable, 24, 25, 50,000, 50,000 favorable, days, hours, 24, 1,20,000, 25, 125, 136 into 10, 1,20,000, 1,25, 1,36 into 10. बोलो यस ऑर नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर एकदम, ओके, ऑलराइट, चलो। अब मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड के साथ भी कराता हूँ ना, ये देखो जरा ना फ्रेंड्स,
कैन यू ट्राई 45 पेज नंबर 12.108 क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 12.108 पहले आप मुझे फिक्स्ड ओवरहेड का करके बताओ राइट, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ वेरिएबल पे ना फ्रेंड्स। 45 पेज नंबर 12.0108 फर्स्ट यू कंप्लीट फिक्स्ड ओवरहेड राइट। जो भी इंफॉर्मेशन है ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20, आवर्स 40,000, आउटपुट पर मैन आवर इट मींस 40,000 इंटू 3.2 1,28,000, फिक्स्ड ओवरहेड 32,000, एक्चुअल एक्सपेंस 31,500, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 21, 43 इंटू 3
टू बैंक 31,500 बाय रिकवरी 129.25 32,250 to over recovery friends 750 recovered 32,250 actual 31,500 750 favorable expense variance 32,500 favorable 128, 129 into 0.25, 250 favorable, 250, 500, 750 favorable. Say yes or no, friends, right? Fixed overhead capacity in terms of hours 40,000, 43,000 into 0.8, 2,400 favorable 128,000 units 40,000 hours तो 129 के लिए 40,312.5 के सामने 43 into 0.8, 2,150 favorable adverse आपको टाइम लगना चाहिए 40,312.5 लेकिन आपने टाइम ले लिया कैलेंडर 20, 21, 1600 फेवरेबल 20 days 40,000 आवर्स 21 days 42, 42, 43.8, 800 favorable. बोलो बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से तो जरा आप लिख लो मैक्सिमम स्टूडेंट ये पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं एवरीथिंग फाइन लिखो जरा एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन राइट देखो जरा 45 का सेकेंड पार्ट 45 पार्ट 2 वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस
क्या बोल रहा है, कंप्यूट द वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस एंड टोटल, टोटल में दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज किसके ऊपर जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट है। इट मींस 43,000 इंटू 3 इज 1,29,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, राइट। अब जरा देखो 40,000 आर्स में कितने यूनिट्स बन रहे थे, 128 निकाला था ना अपन ने, है ना। तो 129 के लिए कितने आर्स लगेंगे, 40,000 आर्स में दे रखा था ना उसने 128 यूनिट्स। हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है बोलो, 129, तो कितने आर्स लगेंगे, 40,000 312.5। समझे या नहीं समझे, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या है, 1,02,400 कॉस्ट इज फॉर 40,000 आवर्स, 1,02,400 इज द कॉस्ट फॉर 40,000 आवर्स। इट मींस पर आवर का 2.56 इंटू 40,312.5, 1,03,200। एक्चुअल में आपको आर्स कितने लगे हैं, 43। एक्चुअल आपका ओवरहेड कितना है, 114,400। बोलो यस सुनो, इट मींस 114,400 डिवाइडेड बाय 43 इज 2.67। बना लो टेबल ना फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट सोचा था, 103,200, क्या कॉस्ट आ रहा है, 114,400, इट्स नॉट गुड, राइट। 103,200 लेस 114,400, लॉस ऑफ 11,200। या ऑलराइट, उसके दो पार्ट हो जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस। एफिशिएंसी 40,312.5 लेस 43 इंटू 2.56, 43,312.5 माइनस 43 इंटू 2.56 इज
6880 एडवर्स, रेट सोचा था 2.56, रेट आ गया 2.67। व्हेनेवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, 114400 डिवाइडेड बाय 43 लेस 2.56 इनटू 43 इज 4320 एडवर्स, 4320 प्लस 6880। सुनो राइट, परफेक्टली समझ में आ रहा है। दोगे एक टेस्ट, आप मुझे 60 वाला सम करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 12.115, पहले फिक्स्ड फिर वेरिएबल। 60 पेज नंबर 115, हाँ इसका टोटल वेरियांस कैसे निकालेंगे? टोटल वेरियांस फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस क्या था आपका? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 750 फेवरेबल और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट एडवर्स, मिलके क्या हो जाएगा? 11200 माइनस 750 करो 10450 एडवर्स, बस इतना करना है आपको ना। अब आप मुझे क्वेश्चन 60 पेज नंबर 115 करके दिखाओ पूरा सॉल्व ना। क्वेश्चन 60 पेज नंबर 115, पहले वेरिएबल करो फिर फिक्स करो राइट। पहले वेरिएबल ओवरहेड कर लो ना फ्रेंड्स। वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। आउटपुट इज 137,280 यूनिट्स। इसमें बराबर ध्यान रखना हाँ, 1 लाख के लिए उसने बोला था प्रोडक्शन मैनेजर ने कि 1 लाख आउटपुट रहेगा तो आर्स कितने लगेंगे? 20,000, 20,000 इज फॉर 1 लाख। आपका प्रोडक्शन 137,280, 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 137,280
2 lakhs rupees variable overhead for 20,000 hours into 10. 274,560. समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल आर्स 21,450 एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 270,270. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो. Two seventy four five sixty. Favorable. Twenty-one four fifty into ten. 10 की जगह लग गया 12.6. वेन एवर द इज रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी. Adverse. ये क्लियर हुआ? बोलो. दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस. ओके, फिक्स का टेबल बना लो और बाकी का होमवर्क में कर लेना. राइट, एनालिसिस होमवर्क में कर लेना. टेबल बना लो मेरे को ना. अब मुझे सारे सम्स का टेबल बना के दिखा दो. एनालिसिस आप होमवर्क में करना. राइट, ये क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स? लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ना, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. Variable overhead always based on actual production. इसका टेबल बना के दे दो, होमवर्क में कर लेना बाकी ना. एंड स्टैंडर्ड मार्जिनल का सबसे बड़ा बेनिफिट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर. राइट, 25 days, 20,000 hours, output 1 lakh.
8000 235950 26 days 21450 hours 137280 अब मुझे टेबल्स बना के दीजिए सारे सम्स की ना, ये क्लियर हुआ? 68 जरा ट्राई करो आप, दोनों टेबल चाहिए मुझे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, राइट? फॉर्मेट आप यही रखिए, जो जो इंफॉर्मेशन है वो पुट करते जाइए, राइट? 58 पेज नंबर 12.114 क्वेश्चन नंबर 58 पेज नंबर 12.114 रिकवरी रेट पर यूनिट 1.5, पर आवर 1.5 एंड पर डे 1800 पर यूनिट 1.5, पर आवर 1.5 एंड पर डे 1800 वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट
एक्चुअल प्रोडक्शन इज 32,500 यूनिट्स, 30,000 आवर्स फॉर 30,000 यूनिट्स, सो 32,500 के लिए 32,500. वेरिएबल ओवरहेड 60,000 फॉर 30,000 आवर्स, पर आवर रेट इज रुपीज 2, इट मीन्स 65. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 68, एक्चुअल आर 33. टू पॉइंट जीरो सेवन. बोलो, एनालिसिस कर लोगे होमवर्क में? सही या सुनो फ्रेंड्स, 57 मुझे करके बताओ. क्वेश्चन 57 पेज 12.114, क्वेश्चन नंबर 57 पेज नंबर 12.114. फिक्स्ड ओवरहेड 10,000, प्रोडक्शन 2,000, रिकवरी रेट 5 फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 2,000 इंटू 10, 20,000, दिस इज 10,000 एंड कम्स टू 0.5. एक्चुअल एक्सपेंस 22, एक्चुअल प्रोडक्शन, नो, एक्चुअल आवर्स 22, एक्चुअल ओवरहेड 12,000, एक्चुअल यूनिट्स 2,000,
100, इसकी ज़रूरत भी नहीं है अपने को, खाली स्टार्टिंग के तीन वेरियंस ही पूछे ना, तो वो यूनिट से ही आ जाएंगे, राइट। एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम ही पूछा है ना, सो यस और नो फ्रेंड्स। 56 जरा ट्राई करो, ओनली टेबल बना के दो, एनालिसिस होमवर्क में करना। 56 जितना खुद से करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको, राइट। 56 पेज नंबर 12.113, खुद से ट्राई करिए फ्रेंड्स। नंबर ऑफ डेज 25, बजटेड मैन आवर्स पर डे 25 इंटू 6000, वन लैख 50 एंड 1,50,000 इंटू 1, वी कैन प्रोड्यूस 150 फिक्स्ड ओवरहेड, 150 150 150, 1 रुपी 1 रुपी, 6000, वन फिफ्टी सिक्स 27 days, 27 days into 6300 hours per day, 170 100 into 0.9 units, 153090. बोलो या सुनो, 55 कैन यू ट्राई, 55 पेज नंबर 12.113,
55। खुद से ट्राई करिए फ्रेंड्स। फॉर्मेट आपको यही रखना है राइट, कैसा भी सम रहने दो। रिकवरी रेट 1.50 रुपीज़ पर यूनिट, 1 रुपी पर आर तो दे ही रखा है, उससे अपने को आर्स आ जाएंगे। बोलो पर डे 54 कैन यू ट्राई। एंड स्टैंडर्ड मार्जिनल का सबसे बड़ा बेनिफिट, यू कैन वेरीफाई योर आंसर राइट, एक दूसरे की ब्रांच टैली होनी चाहिए राइट। खुद से ट्राई करो राइट।
25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू कितने मशीन है 120, क्या हो जाएगा 24,000 एंड वन यूनिट इज रिक्वायर्स 4 आवर्स, इट मीन्स 6,000, राइट है। एंड देन फिक्स्ड ओवरहेड इज 1,44,000 एंड 1,44,000, सो व्हाट इज द रिकवरी रेट 24,6,5,7,60, ठीक है। नाउ एक्चुअल 24, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स 5,305 यूनिट्स एंड नंबर ऑफ आवर्स 24 इंटू 840 क्या आएगा 20,160, राइट। टोटल 1,42,000 and 1,42,000, राइट है। ट्राई 53, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, पहले फिक्स करो फिर वेरिएबल करो, चार्ट यही रहने दो, राइट। जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना पुट कर देने का, तो क्या आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20, तो क्या कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने इसे पुट कर दिया ना। यूनिट्स नहीं है तो आर्स में, आर्स नहीं है तो यूनिट्स में कर सकते हैं, राइट। वेरिएबल ओवरहेड रिमेंबर ऑलवेज ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इज 3,800, उसने बोला था 12,000 फॉर 4,000 यूनिट्स, एक यूनिट का 3 बनाया कितना 3,800, 11,400, 3,800, 12,000, 3.16 या मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। या फ्रेंड्स,
एनालिसिस आप लोग होमवर्क में कर लेना और ब्रांचेस टैली होनी चाहिए, राइट। एक लास्ट जरा मुझे 48 और करके बता दो, 48 पेज नंबर 12.109, क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 12.109। खुद से ट्राई करिए, राइट। ₹2 पर आ रहे हैं ना रिकवरी रेट। ये क्या हो जाएगा, 320 320 320 2 16th। ओके, एनालिसिस होमवर्क में कर लेना।